सब्सक्राइब कीजिए टेक वाइंस चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल टेक वाइंस पे स्वागत है और मैं हूं मयूर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक टारगेट बता देता हूं। मैंने इस वीडियो में एक टारगेट रखा हूं जो कि है 50 लाइक और 1000 व्यू का। आई होप कि आप इस टारगेट को पूरा करने में मेरी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन इट। आज मतलब 30 नवंबर 2017 को जो Xiaomi है उसने अपना नया फ़ोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है Xiaomi Redmi 5A। ये Xiaomi Redmi 4A का अपडेटेड वर्सन है। इसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके प्रॉस हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उस चीज़ में बात करने वाले हैं। एज वेल एज आज की इस वीडियो में मैं करूँगा कंपेरिजन जो कि होगा Redmi 5A और Redmi 4A और Redmi 4 के बीच में। तो जो Xiaomi Redmi 5A है वो आता है दो वेरिएंट पे। इसका जो पहला वेरिएंट है वो है 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जो कि आता है 4999 में, मतलब 5000 रुपये में। और जो इसका 3GB रैम और 32GB वाला वेरिएंट है वो आता है 6999, मतलब 7000 रुपये में। तो आज हम 2GB रैम और 16GB वाले वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Redmi 4A से, और 3GB रैम और 32GB वाले वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Redmi 4 से। तो Xiaomi Redmi का 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आता है स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ, जिसका हर एक कोर 1.4 GHz पे क्लॉक है। इसके साथ आपको मिलता है एंड्रीनो का 308/500 MHz वाला GPU। स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हो 128GB तक के। जो इसका सबसे अच्छा फीचर है वो है इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिला है। इसमें आप दो सिम और एक कार्ड एक साथ डाल सकते हो। इसमें आपको मिलती है 12.7 सेंटीमीटर मतलब 5 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले। इसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1280x720p का। इसमें आपको 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, और इसमें आपको रीडिंग मोड और जो अलग अलग मोड नॉर्मली बेसिक मिलते हैं MI के मोबाइल में वो आपको सब मिल जाएंगे इसमें भी। जो रियर कैमरा आपको इसमें मिलता है वो आपको 13 MP का मिलेगा, जो कि f2.2 के अपर्चर के साथ आता है। इसमें आपको सिंगल LED फ्लैश मिलता है, और जितने भी मोड आपको Redmi 3S Prime या फिर Redmi 4 में देखने को मिलते हैं वो सारे मोड इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलेगा 5 MP का, उसका आपको मिलेगा एपरेचर f2.0 का। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो Xiaomi है वो सेंसर्स के मामले में कभी कंजूसी नहीं करता है और उसके बैटरी के मामले में कभी कंजूसी नहीं करता है, पर इस मोबाइल में वो दोनों कंजूसी देखी गई है। तो जो बैटरी आपको इसमें मिलती है वो है 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, और ये एक स्लो चार्जिंग बैटरी, मतलब इसका आपको कोई डैश चार्जिंग या फिर क्विक चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। और जो सेंसर है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है और गायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे जो नॉर्मली MI के किसी भी फ़ोन में मिलते हैं। तो MI 4A और MI 5A दोनों में लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। बस MI 4A में आपको गायरोस्कोप सेंसर मिलता है जो MI 5A में नहीं मिलता है आपको, और MI 5A में आपको एक 2.5D कर्व ग्लास मिलता है जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। और MI 5A में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो MI 5A MI 4A से बहुत अच्छा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो 1% भी पसंद आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इसने कुछ तो बताया है, मुझे कुछ तो पता लगा है उस चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अगर किसी कारणवश आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी मत करिए, आप छोड़ दीजिए बस वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो आप डिसलाइक भी मत करिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं जो आदमी डिसलाइक करता है वीडियोज़ को उसको कई लोग हेटर्स कहते हैं, पर वो हेटर भी कहलाने के लायक नहीं होगा मेरी वीडियोस में, क्योंकि मेरी वीडियोस में तो इतने व्यूज़ आते ही नहीं है, 15 से 20 व्यूज़ आते हैं। अब मैं कोई तरक्की थोड़ी ना कर रहा हूँ कि 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई जलन हो रही होगी किसी को तो वो डिसलाइक कर देगा। अब 10-15 व्यूज़ में भी अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो फिर अब आप ही जानो। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप सभी लोग को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो, और देखी है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो।